हेलो एवरीवन, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज मैं किस चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ काया के इस टोनर का। और ये छोटा सा जो प्रोडक्ट देख रहे हैं ये मैंने लिया है स्मीटन से 1 ट्रायल पॉइंट्स में, और ये मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है। जब मैं जॉब में थी तो डेली आने जाने की वजह से, एक्टिवा पर पॉल्यूशन की वजह से फेस पर ना बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हो गए थे, एंड टोनर का यूज़ किया जाता है पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए। तब मैंने ये यूज़ किया था, मेरी पार्लर वाली ने सजेस्ट किया था कि आप ये वाला टोनर यूज़ कीजिए, और डेफिनेटली मैंने उसे यूज़ किया। यूज़ करने के बाद उसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत जल्दी से मेरे फेस की स्किन पर दिखने लगे थे, तो मैंने इसे यूज़ किया हुआ है। तो ऐसा ये प्रोडक्ट मुझे दोबारा से स्मीटन पर दिखा एंड मैंने इसे ट्रायल पॉइंट्स में ऐड कर लिया और ये मेरे पास आ गया। बिकॉज़ मैंने इसे पहले यूज़ किया हुआ है तो उस यूज़ के तौर पर मैं आपको इसका रिव्यू दे सकती हूँ। और अभी भी मैंने इसे 3 दिन हो गए हैं यूज़ करते हुए, इसे दोबारा से मुझे लगा कि ये तो मेरा ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट है तो इसे यूज़ दोबारा कर सकती हूँ। एंड ये देखिए इतनी छोटी सी बोतल है, लेकिन अगर आप इसका बड़े वाला पैक खरीदते हैं तो ये 400 रुपीज़ का आता है। उस टाइम शायद मुझे तब भी ये 320 रुपीज़ का कुछ मिला था, लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। इट मे बी कि कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाए, लेकिन ये छोटा सा जो ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, स्वीटन वालों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, इसका ढक्कन मुझे नहीं दिया भैया, इसका कवर भी दिया करो। विदाउट कवर आपने भेजा है, चीज़ों को भेजने से पहले चेक करो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो। एंड ये जो टोनर है ये 5 ml का प्रोडक्ट है, और जो बड़े वाला पैक आप खरीदते हैं वो आपको 100 या 150 ml का मिलता है। एंड ये 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ के साथ आता है, एंड ये ट्रांसपेरेंट है। अगर बात करूँ इसकी फ्रेगनेंस की, तो इसकी फ्रेगनेंस मुझे उस वक्त भी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव अच्छी नहीं लगी थी, और आज भी मुझे इतनी इसकी जो फ्रेगनेंस है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। एक नॉर्मल सी फ्रेगनेंस इसके अंदर है, लेकिन बहुत ज़्यादा सूदिंग सी नहीं कह सकते, लेकिन रिजल्ट इसके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और फ्रेगनेंस अगर हम बात करें तो जब हम इसे यूज़ करते हैं 2 मिनट तक ही हमारे फेस पर हमें फ़ील होती है, उसके बाद कोई फ्रेगनेंस फील नहीं होती, लेकिन ये अपना काम करता रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या क्या डाला गया मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर डाला गया है, आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ कि ये अल्कोहल फ्री है। जितने भी टोनर अगर आप यूज़ करते हैं अल्कोहल फ्री टोनर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। इसके अंदर डाला गया है विच हेजल कुकुम्बर एंड नियासिनामाइड, इट मीन्स की विटामिन B2। और जो विच हेजल होता है वो हमारी स्किन के पोर्स को टाइट करता है, हमारी स्किन के ऊपर कोई भी एलर्जी प्रॉब्लम होती है उसको रिड्यूस कर देता है, हमारी स्किन के ऊपर अगर सनबर्न की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही होती है तो उसे भी रिपेयर करता है, हमारी स्किन को रिपेयर कर देता है। एंड कुकुम्बर तो आपको पता है हमारी स्किन की जो इम्प्योरिटी है उसको प्योर करता है। तो ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे हार्श केमिकल्स इसके अंदर नहीं डाले गए हैं जो कि हमारी स्किन को किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाए। तो मेरी तरफ से ये बेस्ट प्रोडक्ट है, रिकमेंडेड है, और आप इसे परचेज़ कर लीजिए। परचेज़ करने के बाद डेफिनेटली आप देखेंगे इसे रेगुलर, अगर आप इसे यूज़ करते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन के अंदर, डेली केयर रूटीन के अंदर, तो डेफिनेटली आपको 15 से 20 दिन के अंदर आपको अपनी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं उसके अंदर रिजल्ट्स नज़र आएंगे। लेकिन आप इसे डेली यूज़ कीजिए, दिन में 2 बार। अगर आपने इसे परचेज़ कर लिया, आज यूज़ किया, फिर 1 हफ्ते बाद यूज़ कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी स्किन केयर रूटीन अगर आप कर रहे हो, अपना CTM कर रहे हो, क्लीनिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ डेली कीजिए, दिन में 2 बार, मॉर्निंग में एंड नाइट में सोने से पहले। बात करते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये छोटी सी बोतल आप देख रहे हैं ये पंप में दी गई है, छोटी सी बोतल। नॉर्मली ऐसी छोटी बोतल जो पैकेजिंग आती है वो पंप में नहीं आती, लेकिन काया ब्रांड ने जो है इसे पंप में दिया है, तो इसको ईजी टू यूज़ है। इसको यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट है, काफ़ी आप इजिली इसे यूज़ कर सकते हैं। आप जस्ट स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पर, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा कॉटन पैड लीजिए, छोटा सा कॉटन पैड लीजिए एंड उसके ऊपर आप इसे यूज़ कीजिए, एंड फेस पर आप इसे डैप 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 करके अपने फेस पर अप्लाई कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो फेस है ना इसको यूज़ करने के बाद कूल लगेगा, रिफ्रेश लगेगा, एंड काफ़ी आपको ठंडक सी फील होगी। तो गर्मियों के लिए सबसे बेस्ट है, एंड ये ऑल स्किन टाइप है, और मैन एंड वुमेन भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और ऑयली एंड कॉम्बिनेशन एंड ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू इस चीज़ के बारे में, काया टोनर के बारे में। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि इस टोनर को यूज़ किया हुआ है, कैसे रिजल्ट आए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।